तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यन भार्गव, सत्यन भार्गव टेक्निकल चैनल में आपको स्वागत है दोस्तों। तो गाइस आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं रॉयल एनफील्ड गाड़ी के बारे में कि हमारी रॉयल एनफील्ड गाड़ी अगर कहीं रास्ते में ब्रेक हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है। सो गाइस आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने आप हम बिना मिस्त्री के, वहाँ पर मिस्त्री आपको उपलब्ध नहीं है, तो आपको किस तरह से गाड़ी को अपने आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपने आप से कर सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम बिल्कुल साफ साफ आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं हो रही तो किस तरह से आपको स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो गाइस देखिए ये हमारी बुलेट है, इसका जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है। चाबी हमने ऑन कर दिया है जो कि आप देख सकते हैं मीटर में, चाबी ऑन है, न्यूट्रल पर गाड़ी है हमारी, सब कुछ शो कर रहा है मीटर में और हम क्लच भी दबा रहे हैं। क्लच इसका दाब लिया हमने और स्टार्ट कर रहे हैं देखिए दोस्तों। तो ये बिल्कुल भी सेल्फ नहीं ले रही है और ये किक भी नहीं ले रही है। सो गाइस इस किक भी ले रहे हैं तो ये स्टार्ट। सो गाइस आपने देखा कि किक पर भी स्टार्ट नहीं हो रही और ये हमारी सेल्फ लेने पर भी स्टार्ट नहीं हो रही। सो गाइस इसी प्रॉब्लम को हम आज दूर करेंगे। सो गाइस आपको दिखाते हैं कि तो भाई आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट किया दोस्तों। इसके राइट साइड में, बुलेट के राइट साइड में बॉक्स में हम आएंगे। सो गाइस सभी गाड़ियों में, बुलेट में लगभग नई गाड़ियां जितनी आई हैं सब में इंद्री पर लगा हुआ है। सो गाइस ये बॉक्स हम खोलेंगे इस तरह से। इसके बाद दोस्तों ये हमारा फ्यूज बॉक्स, सारे फ्यूज यहाँ पर लगे हुए हैं, जितने भी स्टार्टिंग है, लाइटिंग है, सारे फ्यूज दोस्तों यहाँ पर लगे हुए हैं। और हम बात करने वाले हैं केवल स्टार्टिंग के बारे में दोस्तों आज। तो सो गाइस इसको हल्का से हमें प्रेस करना है, दूर से लो। सो गाइस इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करना है और इस तरह से इसको खोल देना है। सो गाइस हम देखेंगे कि इसमें सारे फ्यूज, सब चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं कि कौन सा किस तरह का फ्यूज है। इसको क्लियरली दिखा दीजिए। सो गाइस सबसे ऊपर हमारा जो है, इस तरह से इसको बंद करेंगे तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा कि सबसे नंबर वन फ्यूज कौन सा है और कौन सा लगा हुआ है। तो सो गाइस हमने देखा भाई, ऊपर सबसे ऊपर लिखा है चार्जिंग 25 एम्पियर। सो गाइस ये हमारा नहीं है क्योंकि चार्जिंग, गाड़ी चार्जिंग से रिलेटेड नहीं है। टेल लैंप यानी कि हेडलाइट, उसका भी दिक्कत नहीं है। सो गाइस एक दो तीन नंबर इग्निशन। दोस्तों इग्निशन का मतलब होता है कि गाड़ी में स्पार्क, फायरिंग, यानी कि हमारा स्टार्ट नहीं हो रही, फायरिंग नहीं हो रही गाड़ी में, ना किक से हो रही है ना सेल्फ से हो रही है। सो गाइस तीन नंबर, एक दो तीन, तीसरा नंबर दोस्तों ऐसे बंद किया, एक दो तीन, तीसरा नंबर फ्यूज दोस्तों हम चेक करने वाले हैं। तो गाइस गाड़ी की चाबी से भी आप फ्यूज निकाल सकते हैं, आपको हम चाबी से ही निकाल कर दिखाते हैं। हाँ सो गाइस देखिए, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर ये लगा होता है फ्यूज बॉक्स हमारा, और इसको प्रेस करके ऐसे आराम से इसको है जो है ऐसे खींच कर ऐसे ऊपर को निकाल लेंगे ऐसे, और आराम से इसमें दोस्तों कुछ भी टूटेगा नहीं, कुछ भी ख़राब नहीं होगा, आप डरिए बिल्कुल नहीं। आप कहीं अगर बाहर फंसे हुए हैं तो इसी को खोल करके बॉक्स को, फ्यूज बॉक्स इस तरह से निकाल के ऊपर को, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सी हमारी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो सो गाइस एक दो तीन नंबर ऐसे बंद करेंगे तो तीन नंबर हमारा यहाँ से शुरू होगा दोस्तों। एक दो तीन तीसरा नंबर का फ्यूज दोस्तों हम देखने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम है तीसरा नंबर के फ्यूज। इग्निशन यानी कि हमारा गाड़ी में स्पार्क नहीं हो रहा, तीन नंबर फ्यूज हम चेक करने वाले हैं दोस्तों। इस तरह से हम चाबी, अगर कुछ आपके पास टूल उपलब्ध नहीं तो चाबी से आप फ्यूज निकाल सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आपको करना है, इस तरह से दोस्तों तीन नंबर इस तरह से आपको प्रेस करके निकाल लेना है। सो गाइस देखिए ये फ्यूज पूरी तरह से शॉर्ट है दोस्तों, पार्ट हमारा मिल चुका है दोस्तों। ये फ्यूज देखिए आप, बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, इसके बीच में पॉइंट बना होता है, आप देख रहे होंगे वीडियो में कि हाँ इसमें बीच में शॉर्ट है फ्यूज दोस्तों। तो आपको करना क्या है दोस्तों, फ्यूज शॉर्ट है तो बगल में हमारे स्पेयर में ये तीन फ्यूज लगे हुए हैं दोस्तों, ये कहीं पर भी फ्यूज आप लगा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास जिस नंबर का फ्यूज आपने निकाला हुआ है इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर का लगाएं, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं, और ज़्यादा हाई पावर का भी नहीं लगा सकते हैं और थोड़ा सा कम भी नहीं लगा सकते दोस्तों। हमारा ये 10 एम्पियर फ्यूज था और इसमें लगना चाहिए तीसरा, तीन नंबर पर 10 एम्पियर फ्यूज ही दिखा रहा है। तो दोस्तों 10 एम्पियर हमारे पास स्पेयर में नहीं है, इसलिए हम 15 एम्पियर का यूज कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारा 15 एम्पियर का फ्यूज रहा, इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये 15 एम्पियर का फ्यूज निकल आएगा। तो सो गाइस देख सकते हैं आप, इसका पॉइंट बिल्कुल सही है और इसको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं तीन नंबर में दोस्तों। हम इसको ऐसे पुश कर देंगे, ये लग जाएगा, इसको ऐसे आराम से बंद कर देंगे और जो है इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर फिट कर देंगे। ये रबड़ है यहाँ पर फंसी हुई है,
अशोक भाई हम गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाने वाले। सो गाइस, प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल बेल आइकन दबा दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।